अभी इसराइल और हमास की वॉर चल रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये शख्स कौन है? इसका नाम है मोहम्मद दियाब इब्राहिम मसरी और इसको हमास की गैंग प्यार से बुलाती है मोहम्मद दाइफ। मोहम्मद दाइफ का जन्म हुआ था 1965 में। इन्होंने अपनी साइंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी गाजा में एक यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 1990 में इन्होंने हमास को ज्वाइन करा। पिछले 7 अटेम्प्ट करे हैं इसराइली सेना ने इस बंदे को मारने के लिए। और 2014 में एक एयर स्ट्राइक करी थी इसराइल ने इसके घर पे, जहां पे इसकी वाइफ, 7 महीने का सन और एक 3 साल की लड़की उस एयर स्ट्राइक में मारी गई। हर बार ये कहीं ना कहीं के निकल जाता है, कहां जाता है, कहां छुपके बैठा रहता है किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा बिलीव करा जाता है कि ये छुपके कहीं ना कहीं टनल्स में बैठा रहता है, सुरंगों में बैठा रहता है, ताकि इसराइल को इसका पता ना लग पाए। इसकी एक आंख नहीं है, हाथ नहीं है, ये पूरी तरीके से हैंडीकैप्ड है, पर फिर भी इसको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। कहा ये जा रहा है कि अभी जितने भी इसराइल पे अटैक्स हो रहे हैं, जो प्लानिंग हो रही है हमास के द्वारा, उसमें जो सबसे बबड़ा मास्टरमाइंड है वो मोहम्मद दाइफ है। पिछली 7 बार से तो खैर बची है, लेकिन अगर अभी इसराइल के हत्थे चढ़ गया तो मुझे नहीं लगता अभी इसे कोई बचा सकता है।